the techno on my mind. Spending in the club all night, I gotta move my body, body, move my body, body. Techno on your side, getting in the bumpy run. Hey guys, you're watching trueAKspeaks, and this video is regarding how you are going to set up this Dolby Atmos and the drivers that are provided by Cosmic Byte, and it is provided in their website. Don't worry, you are going to get all the links in the description. This is going to be a small video, and so aap dekh rahe hain trueAKspeaks. Ye video hai कि आपको जो कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स न्यूट्रिनो में डॉल्बी एटमॉस को कैसे सेटअप करना है, और जो कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट में कॉस्मिक बाइट द्वारा जो ड्राइवर्स दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस वीडियो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा. इफ यू लाइक माई स्टफ, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डॉल्बी एटमॉस के लिए डॉल्बी एक्सेस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. यू गॉट टू डाउनलोड द Dolby Access application from the Microsoft Store से, और यहाँ से आप Dolby Access को सर्च कर लेंगे. सर्च फॉर द Dolby Access फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. आप देख सकते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो बस आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है. इंस्टॉल इट एंड आफ्टरवर्ड्स इफ योर हेडसेट वुड बी प्लग्ड इन, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट ऑटोमेटिकली. बस इसे इंस्टॉल करके आपको लॉन्च कर देना है. और अगर आपका हेडसेट प्लग्ड इन है, मैं उसी कॉस्मिक बाइट न्यूट्रिनो की बात कर रहा हूँ जिसका मैंने रिसेंटली अनबॉक्सिंग वीडियो आपको शेयर किया था. इट वॉज रियली इंफॉर्मेशनल एंड दैट टू इन द डिटेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरे हेडसेट को डिटेक्ट कर लिया है. तो बस आपको पीसी में हेडसेट प्लग इन करना है यूएसबी पोर्ट के द्वारा, अगर आप 3.5mm जैक का यूज करेंगे. और आप कहेंगे कि मेरे पास तो स्प्लिटर है, मैं उसके हेडसेट के 3.5mm जैक पे डालकर माइक और हेडफोन का सेपरेट मैं लगा सकता हूँ. तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रकार से यूज करने वाले हैं तो फिर डॉल्बी एक्सेस एप्लीकेशन आपका हेडसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, नहीं पहचानेगी. इट मीन्स टेल यू दैट इफ यू आर गोइंग टू यूज द हेडसेट यूजिंग द 3.5mm जैक एंड यूजिंग एनी ऑक्स केबल और समथिंग, एंड would say like I am having the splitter that splits a single 4-pole 3.5mm jack into the 2 3-poles microphone and headset jack and put in the IO shield separately for the microphone and headset. IO shield mein separately aap laga sakte hain. तो इस तरह काम नहीं करने वाला. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे एंड योर हेडसेट विल नॉट गेट रिकॉग्नाइज. यूज इट द वे आई टोल्ड यू इन द अनबॉक्सिंग वीडियो विच आई अपलोडेड टुडे मॉर्निंग. और मैंने आज सुबह जो वीडियो अपलोड किया है उस पर मैंने जैसे बताया कि आपको पीसी पर इस तरह से इस प्रकार यूज करना है, तो आप वैसे ही यूज करें. ओके, तो आपको यहाँ पे डॉल्बी एक्सेस एप्लीकेशन को इस तरह से सेटअप कर लेना है. ओके, एंड गो टू द साउंड सेटिंग्स. के बाद आपको करना क्या है, बस साउंड सेटिंग्स पे आ जाइए और यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट, एंड यहाँ से आपको अपना आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस सेटअप कर लेना है. यूएसबी पोर्ट आप प्लग करेंगे यूएसबी पोर्ट में, तो फिर ये आपका स्पीकर और माइक्रोफोन ये डिटेक्ट कर लेगा. आपको उसको डिफॉल्ट लगा देना है कुछ इस तरह से करके. थोड़ा सा राइट पे आके उस पर क्लिक करना है और ओके, सून आई सिलेक्टेड दैट टू चैनल ऑडियो. द ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड एज द ऑडियो डिवाइस I've got changed and तो जैसे मैंने ऑडियो टू चैनल 16 बिट पर लगाई थी तो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी. बस आपको यहाँ से चैनल 2 ही रखना है और ये तो डिटेक्ट कर लेगा. स्पीकर्स में मैं आपको बता दूं कि बात ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पीकर्स की ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में मिल जाता है. तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड ऑडियो एनहांसमेंट्स में आपको इसे डिवाइस डिफॉल्ट्स पर रखना है एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस फॉर हेडफोन्स सिलेक्ट कर लेना है. आई नो डॉल्बी एटमॉस फॉर हेडफोन्स प्रीमियम एप्लीकेशन है, लेकिन जो कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स न्यूट्रिनो है ये एक डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड सेट है, इसलिए डॉल्बी एटमॉस की एप्लीकेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही आप इस हेडसेट को प्लग इन करेंगे. डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड ऑन इट्स ओन डिस्पाइट ऑफ बीइंग प्रीमियम, विल गेट एक्टिवेटेड ऑन इट्स ओन एंड यू कैन सिलेक्ट डॉल्बी एटमॉस फ्रॉम
or headphones here under the spatial audio setting. Okay, so that's all for Dolby Access for enabling the Dolby Atmos. And now let me just turn towards the drivers that are provided by the Cosmic Byte itself. मैं अब उन चीजों की तरफ बढ़ जाता हूँ, drivers की तरफ, जो कि Cosmic Byte द्वारा provide किए जाते हैं. उसके लिए मैं पहले आपको बता दूँ कि आपको Dolby Access application को uninstall कर देना है. Let me just tell you first that you got to uninstall this Dolby Access application. Go to the website named thecosmicbyte.com और ये website आपको description में मिल जाएगी. मैं इस website पर चला जाता हूँ. Download drivers पर आप सबसे bottom पे आकर click कर दें. Just click on download the drivers. After getting to the bottom and ये आपको link 1 पे जाना है. You got to go to the link 1, download drivers link 1. और फिर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है न्यूट्रिनो. ये हम जिस ड्राइवर का है, जिस ड्राइवर की हम तलाश कर रहे थे, बस आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड आपका कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो यू कैन सी दैट इट हैव गॉट डाउनलोडेड. जस्ट राइट क्लिक ऑन द सेम पर बस आपको राइट क्लिक करना है जो फाइल डाउनलोड होगी. एक्सट्रैक्ट, जिस भी लोकेशन पे आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, और फिर आपको दोबारा एक्सट्रैक्ट करना है. गॉट टू एक्सट्रैक्ट अगेन एंड ओके, तो हियर आर द ड्राइवर्स. तो ये ड्राइवर्स हैं, बस आपको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लेना है एंड मोर इन्फो पर जाकर रन एनीवे. क्योंकि अगर आपके डिवाइस पर कोई भी एंटीवायरस होगा या फिर विंडोज का डिफेंडर भी, तो वो इसे एक वायरस की तरह डिटेक्ट करेगा. क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर बता रहा है कि उसने एक अनरिकग्नाइज्ड ऐप को प्रिवेंट किया है स्टार्ट होने से. एज द माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज सेइंग दैट इट हैव प्रिवेंटेड एन अनरिकग्नाइज्ड एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्टिंग. बस आपको रन एनीवे पर क्लिक कर देना है. Just click on run anyway and it will get installed. Okay, here is the installation wizard. बस आपको next next click करते जाना है. यहाँ पे installation wizard है. अब एक administrative permission देनी है. Just click on finish and it have got installed. And now, अब मैं थोड़ा सा introduction दे देता हूँ इस software का. Stereo music पे आपको equalizer यहाँ पे select कर लेना है कि आपको pop रखना है, rock and roll, classic और ये सब. तो traditional equalizers हैं, मुझे इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बस यहाँ पे 7.1 surround sound पे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से decibel सेट कर लेने हैं. तो बस आपने यहाँ पे जो भी सेटअप कर रखा है आपका, उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं. Front left, center, front right, auxiliary right, back left, auxiliary left. Okay, तो टेस्ट कंप्लीट हो गया है और टेस्ट क्या एक तरह से ये प्रीव्यू था. एंड दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सेट इट अप, द 7.1 सराउंड साउंड बेस्ड ऑन दिस न्यूट्रिनो सॉफ्टवेयर फॉर द हेडसेट. एंड यहाँ से आप माइक्रोफोन का एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं. वैसे मुझे नहीं लगता कौन ऑफ करेगा इसको. ओके, तो आई फील अब आपको समझ में आ गया होगा आपको ये दोनों ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं. अगर मैं दोनों सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करता हूँ तो फिर Dolby Access सॉफ्टवेयर बेटर है. लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स प्रोवाइडेड इन देम, दिस गेट्स टू बी अ लिटिल वन स्टेप अहेड दैट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट अलाउज यू टू डिसेबल और इनेबल द एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन. आप ये एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं. वैसे मुझे नहीं पता है इसको डिसेबल करेगा कौन. So I feel that's all for this video. And with the Amazon Prime Gaming, I have recently claimed this Prey. So Amazon Prime Gaming ka use karke maine ye Prey claim kiya hai. I checked on Steam. Maine Steam mein dekha tha jaakar ki iska player base wagera kaisa hai. Lekin maine jab Steam mein jaakar dekha tha, mujhe iska gameplay acha lag raha tha. To maine ye क्लेम करके डाउनलोड कर लिया है. जीओजी गैलेक्सी से कैसे करना है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. यू हैव बीन वॉचिंग ट्रूएकस्पीक्स. थैंक यू.